नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। एक दावत और इस दावत के साथ ऐसी आफत। जी हां, पाकिस्तान दिवस के जलसे में जाना क्या वीके सिंह की मजबूरी थी? हम ये कह रहे हैं दावते दुश्मन, क्योंकि एक ऐसा देश जिसने लगातार हिंदुस्तान को सरहद पर परेशान किया है, इस पार्टी के भी 48 घंटे पहले तक दो बार कठुआ और सांबा में हमले हुए जिसमें कई लोग मारे गए, कुल 4 लोग हमारे शहीद हो रहे हैं वहां पर जवान, और हम यहां पर उनकी पार्टी में हो रहे हैं शरीक। उस पार्टी में मुश्किल से 15 मिनट रुकने के बाद जब वीके सिंह वापस लौटे तो कुछ अनमना सा ट्वीट किया उन्होंने, जिससे ये सवाल खड़ा हो गया कि वो उस जलसे में क्या मजबूर होकर गए थे। सवाल ये भी उठा कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने की बात करने वाली सरकार के लिए प्रोटोकॉल निभाने की मजबूरी आखिर इतनी बड़ी क्यों है? हमारे साथ कई खास मेहमान इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। आपका परिचय उनसे करा दे। राजीव शुक्ला जी, नेता कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ यहां पर स्टूडियो में मौजूद है। संबित पात्रा जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ है। राकेश सिन्हा जी, संघ विचारक हमारे साथ है। और कुछ ही देर में हमारे साथ आशुतोष भी आम आदमी पार्टी से जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले जरा ये रिपोर्ट देखिए। मंत्री बनने से पहले भारतीय सेना की कमान संभालने वाले वीके सिंह ने यह भली भांति महसूस किया था कि पाकिस्तानी घुसपैठियों और पाक सेना का चरित्र क्या है, और कश्मीर में सेना को किस तरह से अलगाववादियों की अदावत झेलनी पड़ती है। लेकिन सेना से सत्ता में आने के बाद हालात बदल गए। भारतीय सेना के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान मंत्री वीके सिंह को पाकिस्तान दिवस समारोह में जाना पड़ा, और वो भी हुर्रियत नेताओं की मौजूदगी में। तो क्या वो अपनी मर्जी के खिलाफ वहां जाने को मजबूर थे? वीके सिंह के कुछ ट्वीट से उनका असंतोष साफ झलकता है। कर्तव्य और असंतोष के हैशटैग के साथ किए गए ट्वीट में उन्होंने लिखा है, एक टास्क या एक्शन जिसे करने के लिए आदमी नैतिक या कानूनी वजहों से विवश होता है। फिर उन्होंने ट्वीट किया, जॉब या सर्विस जो आपके लिए तय होती है। बहरहाल उनके अफसोस जताने और पार्टी से महज 10 मिनट में लौट जाने की बात बहुत दूर तक चली गई। जिन शब्दों से उन्हें सहानुभूति की उम्मीद थी, वही शब्द कांग्रेस के हथियार बन गए। पार्टी बोली, जब ड्यूटी मजबूरी बन जाए तो इस्तीफा दे देना चाहिए। माननीय जनरल साहब को ये लगता है कि ये कर्तव्य का निर्वहन एक बोझ बन गया है, उनको इससे घिन आ रही है। जिस तरह से इस सरकार ने यू टर्न किया है पाकिस्तान के ऊपर, उससे वो इत्तेफाक नहीं रखते, तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। जेडीयू ने इसे बीजेपी और पीडीपी की आपसी समझ का हिस्सा बताया और कहा कि पहले से दोनों में ये तय था। नहीं, वीके सिंह गलत बयानी कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में जो साझा सरकार बनी है उसके कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में शामिल है हुर्रियत से बात करना और पाकिस्तान से भी बात। पाक दिवस की पार्टी में वीके सिंह का जाना सबके लिए तंज कसने का मौका बन गया। आम आदमी पार्टी भी कूद पड़ी। कुमार विश्वास ने ट्वीट किया, उम्मीद है धोखेबाजों और अलगाववादियों के साथ वीके सिंह ने मसालेदार बिरयानी का जायका लिया होगा। ये वही लोग हैं जो हमारी मातृभूमि को बांटने और भारतीय फौजियों को मारने का काम करते हैं। बीजेपी ने इस पार्टी पर चुप्पी साध ली है, लेकिन लोग बात कर रहे हैं क्योंकि वीके सिंह सेना अध्यक्ष रहे हैं और बीजेपी राष्ट्रवादियों की पार्टी है। खासकर मोदी सरकार की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि उन्होंने पहले हमेशा पाकिस्तान को ललकारा है। वीके सिंह ने अपने ट्वीट को मुद्दा बनाने के लिए मीडिया पर भड़ास निकाली है, लेकिन सवाल तो उठते हैं, और वो सवाल ये हैं कि क्या वीके सिंह उस पार्टी में जाने को मजबूर थे? क्या मोदी सरकार की ओर से उन्हें नुमाइंदगी के लिए बाध्य किया गया था? क्या कश्मीर में सरकार चलाने के लिए वाकई बीजेपी अपने पुराने उसूलों से पीछे हट रही है, या यहाँ भी सबका साथ सबका विकास का नारा बुलंद हो रहा है? आज तक ब्यूरो। सीधे रुख करते हैं, सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संबित पात्रा जी आपके पास आने से पहले, और राजीव जी आपके पास भी, राकेश जी आपके पास भी, जरा याद ताजा कर देते हैं, न सिर्फ संबित पात्रा जी की बल्कि हमारे दर्शकों की भी, और सुनाते हैं आपको। तारीख भी मेरे पास लिखी हुई है, 13 मई 2013। प्रोटोकॉल के नाम पर जो उस समय की यूपीए सरकार कर रही थी, उस पर उस वक्त प्रचार कर रहे नरेंद्र मोदी जी का क्या कहना था एक रैली के दौरान, पहले दर्शकों को सुनाते हैं और आप भी संबित जी सुनिएगा। आप कल्पना करें, हमारे देश के जवानों के सर काट के ले जाए और कुछ दिनों के बाद उसी देश के प्रधानमंत्री को चिकन बिरयानी का भोजन दिया जाए।
फिर बिरयानी खाने की ऐसी क्या आफत आन पड़ी थी संबित पात्रा जी, जरा देश को बताइए। पाकिस्तान दिवस महत्वपूर्ण है, उस बिरयानी को खाना महत्वपूर्ण है, प्रोटोकॉल महत्वपूर्ण है, या फिर शहीदों का जो लहू देश में बहता है धरती पर वो महत्वपूर्ण है सरकार के लिए? अंजना जी, शहीदों के लहू को जितना नमन किया जाए उतना नमन कम पड़ेगा, और हमेशा चाहे हमारी सरकार हो या किसी की भी सरकार हो, शहीदों के साथ खिलवाड़ कोई भी नहीं कर सकती है ना करेगी। मगर दोनों चीज़ों को जो आपने अभी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के भाषण को सुनाया उसको पाकिस्तान डे के साथ जोड़ के देखना उचित नहीं होगा। वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अपने पर्सनल तिजारत के लिए आ रहे थे, आपको याद होगा, तो वो कोई ऑफिशियल विजिट में नहीं थे, और ये पाकिस्तान डे है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार इंडिया अपनी रिपब्लिक डे मनाती है और पूरे विश्व के नुमाइंदे जहां जहां हमारी एम्बेसी है वहां पहुंचते हैं, अन्यथा इसे अन्यथा लिया जाता है। ठीक उसी प्रकार जब कल 8 वर्षों बाद पाकिस्तान आपके लिए प्रोटोकॉल इंपॉर्टेंट है, आपके लिए प्रोटोकॉल इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए शहीद, हमारे लिए शहीद और हिंदुस्तान सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे। पिछली बार जब वो हुर्रियत के नेताओं से, एक सेकंड, पिछली बार अलगावादियों से मिले आपने सेक्रेटरी रेवल की बातचीत स्थगित कर दी, उसको रोक दिया। उसके बाद अभी जब वो अलगावादी वहां बैठे हुए थे तब एमओएस एक्सटर्नल अफेयर्स वहां पर जाते हैं, क्या मतलब है इसका? कौन महत्वपूर्ण है आपके लिए? स्टैंड क्लियर कीजिए, प्रोटोकॉल, पाकिस्तान या फिर वो शहीद, आप क्लियर कीजिए स्टैंड। अंजना जी थोड़ा वक्त दीजिए, मैं बिल्कुल स्टैंड क्लियर करता हूँ। देखिए, हिंदुस्तान के स्टैंड में नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में कोई भी बदलाव नहीं आया है। वही स्टैंड है कि जो द्विपक्षीय मसला है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, उसमें किसी तीसरे के लिए स्थान नहीं है। अर्थात कोई भी सेपरेटिस्ट, चाहे वो मॉडरेट सेपरेटिस्ट हो चाहे एक्सट्रीम सेपरेटिस्ट हो, उसका कोई काम नहीं है हम दोनों के बीच में वार्तालाप में टांग अड़ाने का। पहली बार जब अब्दुल बसीत हिंदुस्तान से बातचीत करने की प्रक्रिया चल रही थी फॉरेन सेक्रेटरी लेवल में, हमारे तागीद करने के बावजूद भी उन्होंने सेपरेटिस्ट से मुलाकात की। हमने रेड लाइन डाल के दिखाया कि नहीं, ऐसा आप करोगे तो हम बातचीत करेंगे। लेकिन वो आज भी वही स्टैंड है, आपकी बात को वो गंभीरता से नहीं लेते, तभी अलगाववादी वहां मौजूद थे। और एक सेकंड सर, लौटेंगे आपके पास, लौटेंगे, मैं इसको 50 सेकंड लौटूंगी आपके पास। राजीव जी भी हमारे साथ है। राजीव जी, ये प्रोटोकॉल तोड़ने और फिर से शुरू करने की लत तो यूपीए की सरकार को भी थी, ये रोना तो उस वक्त भी था। देखिए विवाद कहां शुरू हुआ इसमें आप देखिए, विवाद शुरू हुआ जो वीके सिंह ने ये कहा कि साहब हमें मजबूरी में जाना पड़ा वहां से। अगर वो ये ना कहते कि हम मजबूरी में गए तो शायद ये विवाद नहीं होता, क्योंकि इस तरह के नेशनल डे होते हैं ज्यादातर देशों के और उनमें मंत्री जाते हैं, इस तरह की परंपरा। मैं भी जब मंत्री था तो तमामों देशों के नेशनल डे पे मैं गया, और विदेश मंत्रालय इसको तय करता है कि कौन सा मंत्री जाए, मंत्री की सहमति ली जाती, इसके बाद ही उसको जो है, जब अपनी सहमति देता तब जाता। अब वो जनरल थे तो उनको अगर कुछ ये था तो पहले उनको मना करना चाहिए था। दिल में मलाल था जो बाद में ट्वीट से निकला, तो पहले कहते। अब वो इससे सरकार का विरोधाभास जाहिर होता है, उनको पहले कह देना चाहिए कि हम नहीं जाएंगे, तो शायद विदेश मंत्रालय किसी दूसरे मंत्री को भेजता वहां पे। तो इस तरह, और दूसरी चीज, दूसरा भी सरकार ने एक और किया कि उन्होंने एक मापदंड बना दिया कि जब हुर्रियत के नेताओं से या कश्मीर के उग्रवादियों से वहाँ के हाई कमिश्नर मिले पहले, तो जैसे आपने कहा सचिव स्तर की वार्ताओं रोक दी कि हमें ये बर्दाश्त नहीं, अगर आप ये हरकत करोगे तो हम सेक्रेटरी लेवल टॉक्स नहीं शुरू करेंगे। तो आपने एक जो है मापदंड बना दिया, अब उस मापदंड को तोड़ना जो है ये सरकार के सर पर आएगा। तो ये इनकी दिक्कत है कि जो विरोधाभास सरकार के अंदर है वो समस्या है। रही बात जो मोदी जी का आपने ट्वीट दिखाया, तो उससे मोदी जी का जो भाषण आपने दिखाया जयपुर का, मेरे ख्याल से भाषण है, है ना, तो इसमें देखिए मुझे तो भी लगता है कि एक अजीब किस्म का राजनीतिक माहौल बन गया है, जिसमें है कि चुनाव के पहले जो बोलना हो बोलो, जनता को जो समझाना हो, जिस तरह भी गुमराह करना हो कर दो, चुनाव के बाद सत्ता में आ जाओ फिर वही करो जो करना पड़ता है, जो करना होता है, उसके बाद फिर कुछ नहीं रहता कि आपने पहले क्या बोला आप क्या बोले। ये अब बात साबित हो गई, आप लोगों ने पहले 11 सर हम तो जो रास्ता था वही चल रहे थे, उस रास्ते को की आलोचना करके सत्ता में आई है, तो जब हमें फिर हटाया क्यों? अगर वही सब करना था तो फिर हमें क्यों हटाया कि एक जवान के बदले 11 असर लेंगे, पाकिस्तान से बात मत करो, बिरयानी मत खिलाओ। वरना हम तो जो अगर पाकिस्तान के लोगों के साथ डायलॉग अगर चल रहा था तो डायलॉग शुरू करते, अगर उनके प्रधानमंत्री आए तो खाना खिलाना ही पड़ेगा, हम खिलाते थे, मोदी जी को भी खिलाना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने अपने शपथ ग्रहण में भी उनको बुलाया था, तो अगर नहीं खिलाएंगे तो अच्छा नहीं लगता। उसकी अब चूंकि उन्होंने उसकी आलोचना शुरू की, ये नहीं करना चाहिए था मनमोहन सिंह को, अब वो खुद कर रहे हो। संबित जी आपसे जवाब लेंगे लेकिन उससे पहले एक बार राकेश जी के पास में जाना चाहती हूँ और सीधा एकदम स्पष्ट बेसिक सवाल आपसे करती हूँ।
क्या जनरल वीके सिंह साहब को वहां पर जाना था? उन शहीदों के परिवार वालों की सोचिए जो देख रहे हैं कि वीके सिंह साहब हंसे ठहाके लगा रहे हैं बैठकर अब्दुल बासित के साथ। देखिए, एक बात तो साफ है कि हुर्रियत को किसी भी प्रकार की वैधानिकता नहीं दी जानी चाहिए, नहीं दी जा सकती है और नहीं दी जाएगी। लेकिन यहां पर मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जनरल वीके सिंह का ट्वीट को वीके सिंह का ट्वीट नहीं मानना चाहिए, ये सरकार का ट्वीट है जिस सरकार ने डिस्प्लेजर और डिस्गस्ट हो किया है। और मैं राजीव शुक्ला जी को याद दिला दूं, बहुत भूले नहीं, मैं इतिहास के बहुत पुराने पृष्ठों में नहीं जा रहा हूं। 11 नवंबर 2013 को सरताज आए थे भारत, और जब भारत आए तो पाकिस्तान के हाई कमीशन में बैठकर हुर्रियत के नेताओं से मिले, और भारत सरकार ने मिलने पर कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की। हुर्रियत को जिस प्रकार की आदत डाली गई, जो परंपरा डाली गई, उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस परंपरा को तोड़ा है। और संबित ठीक बोल रहे थे, मैं इस बात पर सहमत हूं कि पाकिस्तान डे पर प्रोटोकॉल का उल्लंघन यदि आप कर देते हैं तो इसका अर्थ है कि पाकिस्तान के एम्बेसी को कहिए यहां से चले जाओ। वार्ता का कोई स्कोप तो छोड़िए, वो हुर्रियत को यदि वार्ता के लिए बुलाते हैं और हुर्रियत को गेस्ट लिस्ट में रख रहे हैं, इसका भी विरोध हुआ है। मैं मानता हूं जनरल वीके सिंह ने जो ट्वीट किया है वो भारत सरकार के द्वारा किया गया, शो किया गया एक डिस्प्लेजर है, डिसगस्ट है, और यदि पाकिस्तान नहीं बुलाती तो अच्छा होता। ये क्या कह रहे हैं आप राकेश जी, ये क्या है? मतलब पहले आप जाइए, वहां अलगाववादी अंदर बैठे हुए थे, उसके बावजूद हमारे मंत्री जाएं और बाद में ट्वीट करके डिसगस्ट दिखा दें, ये क्या मतलब है? ये तो सेल्फ गोल नहीं, अंजना जी सांकेतिक ढंग से गए और 10 मिनट में वापस आ गए। देखिए, एक बहुत बड़ी बात है, एक तरह से बहिष्कार करना हुआ, सरकार अपने पक्ष को ठीक से रख नहीं रही है। भारत के रक्षा मंत्री, रक्षा राज्य मंत्री ने उसका बहिष्कार किया है, वो गए हैं और वापस लौट गए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। कोई आपके घर में मैं गेस्ट बनकर जाऊं और मैं एक ऐसे गेस्ट को पाऊं जिसे मैं पसंद नहीं करता हूं और मैं आपके गेस्ट लिस्ट से बाहर हो जाऊं, ये कम बड़ी बात है क्या? इस बात को क्यों आप ध्यान दे रहे हैं कि भारत के रक्षा राज्य मंत्री बहिष्कार करता है? ये बहिष्कार है, सरताज भारत आते हैं, राकेश सिन्हा जी जो परोक्ष दिख रहा है वो आपको बहिष्कार दिख रहा है? ये तस्वीर बहिष्कार है, ये तस्वीर जो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये जो तस्वीर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, उनका हंसना, ठहाके लगाना, वहां पर बैठना, एक खास रंग के लिबास में दिखना, ये आपको बहिष्कार दिख रहा है? क्या बात कर रहे हैं आप साहब? देखिए, जनरल वीके सिंह कुछ मिनटों में वहां बैठकर, देखिए वहां जाकर वो हाथापाई तो करते नहीं, कुछ मिनटों मिलकर वहां से वापस आ गए। लेकिन मेरा एक सवाल है, हुर्रियत को इस धरती पर लेजिटिमाइज करने वाले कांग्रेस है, और राजीव शुक्ला जी जवाब दें कि 11 नवंबर 2013 को सरताज से जब हुर्रियत के नेता मिल रहे थे तो कांग्रेस क्या कर रही थी? राजीव शुक्ला जी तब क्या कर रहे थे जब वो मंत्री थे भारत सरकार में? राजीव जी, राकेश जी हमारे मित्र हैं, हमें हंसी आ रही है उनकी बात पे, क्योंकि वो बेचारे खुद ही एक उहापोह की स्थिति में कि उस सरकार को डिफेंड करें कि ना करें, क्योंकि अंदर से विचार अलग है क्योंकि वो संघ से जुड़े हैं और बाहर से उनको सरकार को डिफेंड करने की मजबूरी है, इसलिए उनकी बातों में विरोधाभास झलकता है। इसके बाद फौरन से हमने तो कभी इसको मुद्दा बनाया ही नहीं, ये हाई कमीशन में पहली बार थोड़ा हुर्रियत वाले आए, हमेशा से आते रहे, हर साल वो आते हैं वहाँ पे और लोग जाते रहे हैं, और जहाँ तक 10-15 मिनट की बात है, हर मंत्री 15 मिनट में ही लौट आता है, हम भी तमाम उसमें गए, 10-15 मिनट में गए, जनगणमन हुआ, उनका राष्ट्रगीत हुआ और वापस चले आते हैं, कोई उसमें टाइम की सीमा, जाने या ना जाने की बात होती, जहाँ जाना भी हो और जाना भी कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन मुद्दा उसको स्वयं वीके सिंह ने बनाया, और हुर्रियत के नेताओं से उनका हाई कमिश्नर न मिले ये भी मुद्दा इसी सरकार ने बनाया। और मुझे लगता है राकेश जी कहीं ना कहीं हम कांग्रेस को कह रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो जो है कोस रहे हैं और आलोचना कर रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी की, जिनकी सरकार ने उस समय जो राके चीफ थे उनकी मदद से उनकी सरकार ने वार्ता शुरू की थी हुर्रियत के नेताओं से। आपको पता होगा कि आंखों में पट्टी बांधे हुए ऐसे तरके सिर्फ चश्मे लगा के और खुले उसमें तमाम लोग श्रीनगर में आए थे, उनकी मीटिंग्स हुई थी, बातचीत अलगाववादियों से अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरू की थी और उन्होंने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया था, हम तो उस इनिशिएटिव की सराहना करते हैं। तो अटल जी की भी फिर इसका मतलब ज़्यादा कड़े शब्दों में आलोचना करेंगे जिन्होंने बातचीत शुरू की थी अलगाववादियों से। और अभी जो केसी त्यागी ने बात की वो भी महत्वपूर्ण है, अलगाववादियों को लेकर अलग अलग पार्टियों ने अपनी अपनी तरह से सियासत की है, लेकिन जम्मू कश्मीर की जनता ने वोटिंग के जरिए नकारा है। एक मिनट में जल्दी से जवाब दीजिएगा, मुझे ब्रेक पर जाना है, संबित जी बहुत देर से मुझे बोला जा रहा है, और ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, ये बहिष्कार नहीं हो सकता है। मैं एक आपत्ति भी दर्ज करा दूं, जब ये प्रश्न बीजेपी के खिलाफ उठ रहा है तो थोड़ा ज्यादा समय हमें देना चाहिए, आप हमें कहती है
भूमिका में आप बहुत वक्त ले लेते हैं ना सर, भूमिका में वक्त ले लेते हैं आप, जब आप जवाब दीजिए जल्दी। मैं बिल्कुल भूमिका में वक्त नहीं लेता, बहुत संक्षेप में कहता हूँ। नंबर वन, अभी थोड़ी देर पहले कांग्रेस के हमारे पक्ष रख रहे हैं, ठीक है, हमारे कांग्रेस के सीनियर लीडर राजीव जी कह रहे थे हमें क्यों निकाल दिया, फिर हमें ही रख लेते अगर वही पॉलिसी अपनानी थी। तो राजीव जी मैं बता दूं आपकी पॉलिसी क्या थी, आपने एक इंटरल्यूकेटर का ग्रुप अपॉइंट किया था, आपको ध्यान होगा। वो इंटरल्यूकेटर के ग्रुप ने जो रिपोर्ट सबमिट किया है उसमें से एक लाइन आपको बता देता हूं। पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा हुआ कि पीओके, जिसको कि हम पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते थे, आपकी सरकार ने उसे पाक एडमिनिस्टर्ड कश्मीर का खिताब दे दिया। एक सेकंड संबित पात्रा जी, मैं आपको इस बात की इजाजत दूंगी ही नहीं कि आप पुराने पन्नों को पलट पलट कर अभी से भाग जाए। शहीद के परिवार वाले क्या बोल रहे हैं, और संबित पात्रा जी गौर से आप सुनिएगा, क्योंकि इसके बाद मैं आपसे पूछूंगी कि ये सरकार, क्योंकि जब पूछा गया वीके सिंह साहब से तो वो तो कहते हैं ये भारत सरकार के कहने पर मैं आया हूं। जरा सुनिए शहीद के परिवार वाले क्या। बड़ी शर्मनाक गल है कि पाकिस्तान लीडर क्या हुर्रियत लीडर और वो जनरल वीके सिंह उन्होंने नाल बैठ के खाना खा रहे हैं। असीं किस तरह कह सकते हैं कि साड़ा आर्मी दा वो जनरल सी, असीं किस तरह कह सकते हैं कि साड़ा आर्मी दा जनरल भी एक पोलिटिकल लीडर बनेगा, और पोलिटिकल लीडर बन तो बाद वो कैसी सियासत खेल रहे हैं। जवाब दीजिए इन्हें संबित पात्रा जी। देखिए बड़े सम्मान के साथ मेहर सिंह जी, उनका पूरा परिवार बहुत सम्मानित है, मगर इतना ही कहना चाहूँगा कि एक डिप्लोमेटिक कर्टसी है जो विश्व में किसी भी स्वाधीन देश को उसके, जैसे पाकिस्तान डे है, हमारा रिपब्लिक डे है, उसमें आप फ़र्ज़ करिए कि अगर अमेरिका में हमारे दूतावास में कोई नहीं आएगा तो ये एक बहुत ख़राब संदेश जाएगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि हमारा स्टैंड पाकिस्तान को लेकर बदल गया। और मैं बताता हूँ जो गलतियाँ पाकिस्तान को लेकर, कश्मीर को लेकर कांग्रेस की सरकार ने किया है उसे कोई ठीक कर सकता है तो वो केवल और केवल बीजेपी की सरकार ही ठीक कर सकती है। आप सोच सकते हैं बालूचिस्तान वाले विषय को जिस प्रकार से कांग्रेस ने शर्मेश सीख में रखा था उसे कौन ठीक कर सकता है, उसे हम ही ठीक कर सकते हैं। वहां जाके घुटने टेक कर आप कहते हैं कि हाँ बालूचिस्तान में हमारे कारण ही गड़बड़ियां फैली है। दो बुनियादी सवाल, क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मूल रिश्तों को समझ नहीं पा रहे हैं? आप इंडिया अमेरिका के रिश्ता की दुहाई दे रहे हैं जब आप इंडिया पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, सवाल नंबर एक। सवाल नंबर दो, आपने कहा था कि जब जब ये प्रोटोकॉल की दुहाई देते थे यूपीए वाले, तब आप देश को समझाते थे कि देखिए हमारे जवानों के सर कट रहे हैं और ये साहब प्रोटोकॉल कर रहे हैं, वही प्रोटोकॉल की दुहाई अब आप दे रहे हैं, तो फिर आप बोले या सलमान खुर्शीद साहब बोले या कोई और बोले, क्या फर्क रह जाता है? दोनों सवालों का जवाब अंजना जी। पहला सवाल प्रोटोकॉल का, आप देखिए प्रोटोकॉल दोनों में अलग है। पाकिस्तान डे ये एक अलग प्रोटोकॉल है, और तिजारत के लिए पर्सनल एयरक्राफ्ट में पर्सनल विजिट पे उनके प्रधानमंत्री आए, उनको मिलने के लिए हमारे विदेश मंत्री जाए और उनको बिरयानी खाए, ये अलग प्रोटोकॉल है। दूसरा, मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा था इंडिया अमेरिका, इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन को, मैं कह रहा था संबित पात्रा जी मत उलझाने की कोशिश कीजिए, कर्टसी एक अलग चीज होती है। संबित पात्रा जी मत उलझाने की कोशिश कीजिए, मैं बता रही हूं डिप्लोमेटिक पर्सनल डिप्लोमेसी और देश की डिप्लोमेसी, पाक डे ये सब मत समझाइए। लोग सिर्फ ये जानते हैं कि पाकिस्तान की सरहद पर, उस वक्त भी हिंदुस्तान की सरहद पर पाकिस्तान की तरफ से आए आतंकी हमारे शहीदों को मार रहे थे और आज भी वही कर रहे हैं। 21 मार्च और अगले ही दिन 23 मार्च को पाकिस्तान दिवस पर यह पार्टी चल रही है, क्योंकि बीजेपी की सरकार ने यह बार बार कहा था कि हम अलग एक नई एक बोल्ड स्क्रिप्ट के साथ आएंगे। जो पड़ोसी देश अभी तक हिंदुस्तान को नीचा दिखाते थे उन्हें हम एक सबक सिखाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि सरहद पर वो हमारे जवानों के सिर काटे और देश के अंदर हम आओ भगत करें, उनसे बातचीत करें। लेकिन अब क्या हुआ, क्यों बार बार पलट रही है सरकार और क्यों पूछना पड़ रहा है ये सवाल, यही चर्चा हम कर रहे हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन राजीव शुक्ला जी, जो वो पहले भी कह रहे थे संबित पात्रा जी, इस बात में भी सच्चाई है कि ये फ्लिप फ्लॉप की तो आपकी पूरा इतिहास रहा है, तो आप किस मॉरल ग्राउंड से उन पर सवाल खड़े कर सकते हैं? 26/11 के बाद आपने कहा बातचीत नहीं करेंगे, फिर कभी क्रिकेट डिप्लोमेसी के नाम पर पिघल जाते थे, कभी पाकिस्तान के नाम पर मन मचलता था, कभी पीछे हट जाते थे। देखिए अगर आप पूरा इतिहास उठा लें, कांग्रेस को पाकिस्तान के बारे में सफाई देने की ज़रूरत नहीं। इंदिरा गांधी ने कैसे पाकिस्तान को डील किया दुनिया जानती है, इस देश की जनता जानती है, और कितना पाकिस्तान इंदिरा गांधी से खौफ खाता था ये भी सबको पता है। इसलिए कांग्रेस के इस मामले में इतिहास उठाने की ज़रूरत नहीं। रही बात पाकिस्तान से बातचीत की, बात तो हमेशा मैं आज भी दोहराता हूँ यहाँ पे
कि कोई भी विवाद बिना डायलॉग के, बिना बातचीत के हल नहीं हो सकता। आपको बातचीत तो करनी पड़ेगी और बातचीत के पक्ष में हम रहते हैं। बातचीत का विरोध इन लोगों ने किया था, चाहे 26/11 के बाद की बात हो, उस समय कह दिया कि जब तक आतंकवाद है बातचीत नहीं होगी। इसका सरमल शेख में उनसे मुलाकात वहाँ पे हुई थी, जिस प्रोटोकॉल की बात करें वो प्रोटोकॉल वहाँ पे शेख में तो आपने ऐसी भूल कर दी थी जिसकी वजह से लंबे वक्त तक एम्बैरस होना पड़ा। नहीं, वो एक सिर्फ विवाद उस समय के विपक्ष ने बनाया था और उसमें सारा स्पष्टीकरण हुआ था कि इस तरह की कोई बात नहीं थी बलूचिस्तान को लेकर। जहाँ तक इसका सवाल है कि बातचीत, तो सबसे आगे कदम बढ़ा के बातचीत अटल जी ने की थी, हम उसके विरोध में नहीं थे। बिल्कुल सही, बस लेके वो गए थे, उन्होंने बातचीत की थी, उन्होंने बिरयानी भी खाई और राजभवन में भी, गवर्नर हाउस में वहाँ पर लाहौर के रहे थे, तो क्या उसकी हम आलोचना करेंगे क्या? अगर मुशर्रफ ने उस समय नवाज शरीफ को धोखा दिया तो हम उसकी आलोचना नहीं करते। लेकिन वाजपेयी जी ने एक पहल की थी और वहीं पर उन्होंने एग्री भी किया था, मैं खुद था लाहौर में उस समय मौजूद जब उन्होंने एग्री किया था कि कश्मीर भी तो कांग्रेस के इतिहास का रोना ले रहे हैं, तो इसीलिए उनको बता रहे हैं। हाँ। वो जब पुरानी बातें कर रहे हैं तो उसी बात के जवाब मैं दे रहा हूँ, इसलिए हमें उस पर कोई सफाई देने की जरूरत ही नहीं। कांग्रेस का क्या इतिहास रहा पाकिस्तान को लेकर, हम लोगों का कहना यह कि बेंचमार्क इन्होंने निर्धारित किया, इन्होंने बेंचमार्क बनाया कि आपको बातचीत नहीं करनी चाहिए, एक जवान के बदले में 11 जवान सर लेने चाहिए। लेकिन पाकिस्तान ने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म नहीं रोका, लगातार उनकी फायरिंग भी चल रही है, क्रॉस बॉर्डर फायरिंग चल रही है, आतंकवाद भी वैसे ही चल रहा है। और एक जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट अंजना हुआ, ये हुआ है कि खौफ खत्म हो गया है। आप देखिए, जब जो ये बात कहते हो उसको उल्टा पाकिस्तान करता है, जो ये बात कहते हो उसको उल्टा श्रीलंका करता है। उस दिन सुषमा स्वराज ने बयान दिया राज्यसभा में और ये कहा कि हमने वहाँ के श्रीलंका के प्रधानमंत्री से कह दिया कि आपका ये बयान गलत था कि मछुआरों को देखते गोली मार देंगे, और उन्होंने ये मान ली बात, अब वो ऐसा नहीं कहेंगे। उधर से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जैसे के चले वहां से, वैसे फिर वहां के प्राइम मिनिस्टर ने दोनों ही सवालों पर जवाब दीजिए। आपको उकसाने की हिमाकत और बार बार जो आंख दिखा रहा है चाहे पाकिस्तान या फिर कोई और, एक बार एक सवाल पूछना चाहती हूँ। मुफ्ती मोहम्मद सईद ने 20 और 21 मार्च के हमले के बाद असेंबली में क्या कहा था उन अटैक्स पर, आपको पता है संबित पात्रा जी? अब मैं उत्तर दे देता हूं, आप समय मेरे सवाल का जवाब दीजिए पहले, क्या आपको पता है? मुफ्ती मोहम्मद सईद, पीडीपी के वो नेता जिनके साथ आपकी गठबंधन की सरकार हो रही है, जम्मू कश्मीर के असेंबली में खड़े होकर कहते हैं कि ये पाकिस्तान का किया धरा है, वहां के नॉन स्टेट एक्टर्स ये कर रहे हैं आतंकी हमले। लेकिन आपकी तरफ से ठीक 48 घंटे बाद 4 लोगों के शहीद होने के 48 घंटे के अंदर मंत्री जी पार्टी कर रहे हैं, जवाब दीजिए। देखिए, पहला जवाब मैं ये दूंगा, अभी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और क्रॉस बॉर्डर फायरिंग की बात हो रही थी, राजीव जी कर रहे थे। आपको मैं याद दिला हूं कि जो बीएसएफ के डीजी है उन्होंने रिटर्न स्टेटमेंट क्या दिया था, उन्होंने पहली बार कहा था कि जिस प्रकार का क्रॉस बॉर्डर फायरिंग हुआ है, पहली बार हमारे को ये एक तरह से राइट दिया गया है हमारे को और आर्मी को कि जो रिटेलिएशन पहले हमें नहीं करने को मिलता था वो रिटेलिएशन हम अब कर पा रहे हैं, रिटेलिएशन एज नेवर बिफोर, ये उनके शब्द थे। और आप भी जानती हैं अंजना जी कि किस प्रकार से जब पहले वहां बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पाकिस्तान का उनके इंटरनेशनल बॉर्डर को संभालता था, उसे पीछे हटना पड़ा और आर्मी को आना पड़ा, इस प्रकार का रिटेलिएशन मोदी सरकार ने दिया था, ये इतिहास है। दूसरा महत्वपूर्ण विषय है, आप देखिए पूरी जो बातचीत हो रही है किस प्रकार इतिहास हमने बदला। पहले जो भी पाकिस्तान का लीडर आता था वो हमारे प्रधानमंत्री से मिलने से पहले सेपरेटिस्ट से मिलता था, उसके बाद जाके वो हमारे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति से मिलता था। मगर अब नवाज शरीफ पहली बार जब आए हिंदुस्तान स्वेरिंग इन सेरेमनी के लिए, उनको तागीद कर दिया गया, खबरदार आप हिंदुस्तान आ रहे हैं, आप हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से मिलिए मगर किसी सेपरेटिस्ट से मत मिलिए, और ये हमेशा के लिए रूल में तब्दीली हम ला के दिखाए हैं। और इतिहास में जाएंगे तो दो चीज में बता दूं अंजना जी, जो भी राजीव जी बता रहे थे, नंबर वन वो बोल रहे थे सभी देश अब आंख दिखा रहे हैं हिंदुस्तान को, राजीव जी आपके कारण 30-30 वर्षों तक कोई भी प्रधानमंत्री ना भूटान गया, ना नेपाल गया, ना श्रीलंका गया, हर जगह जाके पाकिस्तान जाके चाइना बैठ गया, हर जगह चाइना ने अपने बंकर खोल दिए। और आज ये हश्र है जो अमेरिका के बड़े बड़े लोग लिख रहे हैं कि इंडिया हैज बीन एनसर्कल्ड बाय एनिमी, हर जगह एनिमी बैठ गए हैं। आपके आने से फर्क है क्या आया? तब भी हमारे जवान शहीद होते थे, मोदी जी ठीक, आज भी हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, फर्क क्या आया है? मैंने आपको रिटेलिएशन बताया, कैसा रिटेलिएशन हमारे, अगर एक जवान शहीद हुए हैं, हमने जो कहा था कि 10 सर लेके आएंगे, हम 100 सर लेके उनका कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो अभी भी वैसे ही हम हमले कर रहे हैं। सांबा में, कठुआ में हुआ, सांबा में अगले दिन सुबह हुआ, 4 लोग मारे गए हैं 20-21, यानी 3 दिन पहले की बात कर रही हूं मैं साहब,
उस पार्टी के 48 घंटे के अंदर 4 लोग मारे गए हैं, क्या फर्क पड़ा है? पाकिस्तान डर गया है? अंजना जी, आप ठीक सवाल पूछ रही हैं और मैं अपने जनता की वोटिंग भी देखा हूं, जनता भी नाराज है। तो मैं जनता को और आपको आश्वस्त करता हूं, अगर पाकिस्तान इस प्रकार से आतंकवादी फैलाएगा तो यही सरकार सक्षम है, जो सरकार ऐसी जवाब देगी पाकिस्तान को कि पाकिस्तान अपने घुटनों के बल पड़ेगा। एक डिप्लोमेटिक कर्टसी को आप मत सोचिए कि सरकार झुक गई है, ये तो बाध्यता थी, वो भी बड़े मजबूरी के साथ जाके हमने बाध्यता पूरी की है। इसी सरकार के पास वो जज्बा है कि पाकिस्तान को आंख उठा के नहीं जीने देंगे, हम आंख झुका के उसको जिनाएंगे। मतलब ये कोई भाषण तो है नहीं कि इसके बाद तालियां बजेंगी, क्योंकि ये सवाल है कि बार बार हम ऐसी बातें करते हैं लेकिन पहुंचकर वही पहुंचाते हैं। राकेश सिन्हा जी, ये जो ट्विटर पर एक के बाद एक जिसे आप कह रहे थे कि उन्होंने सरकार की तरफ से ना, मैं चाहती हूँ कि जरा आपको ये जो डिसगस्ट, मतलब नफरत, हेट, जो भी उसको कह लें, जिसके साथ वो ये सब कुछ लिख रहे हैं, सरकार नाखुश है, सरकार कह रही है कि ये सब क्या ट्वीट कर दिया है। उस पर आने से पहले मैं राजीव शुक्ला जी को एक चीज़ याद दिलाना चाहता हूँ, बहुत वरिष्ठ पत्रकार है और अंजना जी आप भी बहुत पढ़ती लिखती हैं, आप एक चीज़ बताएं कि इंदिरा गांधी से पाकिस्तान तो डरता था और उन्होंने पाकिस्तान को तोड़ा भी, लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या किया? शिमला समझौता कर लिया। आपको मालूम है पार्लियामेंट के नारे क्या थे? देश न हारी, फौज न हारी, हारी है सरकार हमारी। राजीव शुक्ला जी उसको याद कर लें, शिमला समझौते में जाकर उन्होंने जो नींव रखी उसी नींव पर आज पाकिस्तान उछल रहा है। वह अवसर था इंदिरा गांधी के लिए, कांग्रेस के लिए, कि पाकिस्तान को सदा के लिए सबक सिखा दें। कांग्रेस अच्छा काम करती मोदी है, मोदी सरकार भी कह रही है कि हम शिमला अग्रीमेंट और लाहौर डिक्लेरेशन के आधार पर ही बातचीत करेंगे। राकेश जी, ये वाली सरकार भी कह रही है कि शिमला अग्रीमेंट और लाहौर डिक्लेरेशन के आधार पर ही थर्ड पार्टी के बिना हम बातचीत करेंगे। देखिए अब उसको चुनौती देकर, देखिए जब देखिए नहीं देखिए मैं कह रहा हूं, जब एक सरकार गलती कर देती है वो सरकार की गलती उस वक्त होती है, लेकिन देश की नीति बन जाती है। तो आपके पास कोई नई स्क्रिप्ट है नहीं, है ना? मान लीजिए इंदिरा जी ने गलती की, लेकिन देश की तरफ से हुई। लेकिन एक और बात मैं जोड़ना चाहता हूं जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, मुझे लगता है कि हुर्रियत का नाम जो भारतीय जनता पार्टी पीडीपी के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में आया है वो एक बहुत बड़ी चूक है। हुर्रियत का नाम नहीं आना चाहिए था। मैं इस बात से सहमत हूं कि हुर्रियत को किसी भी प्रकार से वैधानिकता देने की जरूरत नहीं है, उस चूक को सुधारने की जरूरत है। वही चूक कहीं न कहीं आगे जाकर बहुत नाक से भारी नथ न बन जाए। चूक सुधारेगी पार्टी? देखिए इसमें दो चीज़ें हैं। पहली बात है कि हुर्रियत हो या कोई भी सेपरेटिस्ट हो, वो है हिंदुस्तानी, हम नहीं मानते वो क्या है, हिंदुस्तानी है, वो हमारे सरकार से बात करे और अगर उसका राह सुधरेगा तो हम उसको मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में लाएंगे, सज्जाद लोन उदाहरण है। मगर उसकी हिम्मत नहीं होनी चाहिए, ना पाकिस्तान की हिम्मत होनी चाहिए कि वो आपस में बात करके इंडिया और पाकिस्तान के बीच के पीस के रोड मैप को वो तय करे। वो हिंदुस्तान की सरकार नहीं होने देगी। हाँ, बातचीत करना है, आप हमारे से बातचीत करिए। राजीव जी, देखिए मैं सबसे पहले तो जो संबित पात्रा जी ने बात उठाई, हाँ, उस पर मैं जवाब देना चाहता हूँ कि एक तो रिटेलिएशन का हमेशा जो है फौज को राइट होता है, कोई भी चीज़ हो तुरंत तो उसका प्रतिकार में गोली चलाना, और इसी वजह से आपने देखा होगा कि उस समय रिपोर्ट आई कि 3 बार जो आतंकवादियों घुसने के अटैम्प्ट थे वो विफल किए गए, वरना आर्मी के हेडक्वार्टर तक पर हमला हो रहा था जो श्रीनगर में था। तो ये रिटेलिएशन का अधिकार तो बराबर सर उनको रहता है। दूसरी चीज़ ये, जहाँ तक चीन की बात कर रहे हैं, अभी उस मुद्दे को अभी हम उठाएंगे, राज्यसभा के जवाब में सरकार की तरफ से जवाब आया है कि पिछले 2-3 वर्ष में चीन ने हमारी किसी भूमि पर कोई अधिकार नहीं किया, कोई एक्सकर्शन नहीं किया। और आप देखिए चुनाव में कितना बड़ा मुद्दा था कि चीन जमीन पर कब्जा के ले रहा, भारतीय सेनाएं घुटने टेक रही है, भारत सरकार घुटने टेक रही, इसी सरकार ने जवाब दिया है, वो सब जो है इसी सत्र में जवाब आया है कि चीन के साथ, हाँ, चीन को लेकर किसी किस्म की चीन ने कोई घुसपैठ नहीं की, कोई जमीन पर हमारे कब्जा नहीं किया, इन्हीं की सरकार का जवाब आ गया। दूसरी चीज जो आपने बताया कि शिमला समझौता और उसको आधार मान के मोदी जी भी आगे बढ़ रहे हैं, और ये भी बता दें राकेश जी को भी कि उस समय अटल जी ने इंदिरा गांधी को दुर्गा कहा और आदरणीय बाला साहब देवरस जी ने स्वयं सराहना की थी। तो क्या 71 की भूल को, 71 में जो इंदिरा जी ने सबक सिखाया वो क्या भूल थी जिसको क्या गलती ना कह रहे जी? उसको गलती मानते हैं क्या? वाजपेयी जी ने इंदिरा गांधी जी को कभी भी दुर्गा नहीं कहा। राजीव जी, अटल जी ने कभी भी दुर्गा नहीं कहा, ये कांग्रेस का अपना प्रचार है। वाजपेयी जी ने कहा मैंने अपने जीवन में कभी भी इंदिरा जी को दुर्गा नहीं कहा, मगर दुर्गा है कि मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है। 44 साल बाद आप उसका खंडन कर रहे हो जब अटल जी बोलने की स्थिति में नहीं है।
ना 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 साक्षात्कार में कहा नहीं, अटल जी ने साक्षात्कार में कहा है। अरे भाई दो लोग एक साथ मत बोलो, दोनों लोग प्रवक्ता भाजपा को एक साथ राज ने, मैं क्या कह रहा हूँ राजीव जी, अटल जी जो है साक्षात्कार अभी वो बेचारे को बोल नहीं सकते हैं स्वास्थ्य की वजह से, आप उनके मुंह में कोई भी शब्द डाल दो। मैंने कभी अटल जी के मुंह में कहा इंदिरा गांधी जी को अटल जी के मुंह में कोई भी शब्द डाल दो। अटल जी ने संसद में शिमला समझौते की जो आलोचना की है कृपया उसको पढ़ लीजिए। समित पात्रा जी, सबसे पहले आपके पास आते हुए, सबसे पहले सरकार का इस पर स्टैंड अभी क्या है, और इसी के साथ अगर उन शहीद के परिवार वाले आपको इस वक्त सुन रहे हैं कुछ कहिए उनके लिए, आप सत्ता में हैं, आप सरकार है। सबसे पहले मैं शहीद के परिवार को कोटि कोटि नमन करता हूं, और इतना कहता हूं कि देखिए इतने वर्षों तक जिस कांग्रेस की सरकार ने हिंदुस्तान को घुटने के बल लाके खड़ा किया था, आपने उसे नकार दिया, उसे अलग कर दिया। विश्वास रखिए मोदी जी पे, मोदी जी ने कहा था ना आंख उठा के ना आंख झुका के, आंख मिला के बात करेंगे, और आप विश्वास रखिए कि किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं है। कल जो पाकिस्तान डे के सेलिब्रेशन पे वहां हमारे मंत्री गए थे वो केवल एक डिप्लोमेटिक स्टैंड था, मगर पाकिस्तान अगर किसी प्रकार का गलत हरकत करेगा तो उसका जवाब हिंदुस्तान की सरकार इस प्रकार देगी जैसे पहले इतिहास में कभी नहीं दिया गया था। आश्वस्त रहिए राजीव जी। देखिए एक तो मुझे बार बार की हर सवाल का जवाब जितने अंजना जी कर रहे हो उसमें सोते जागते उठते बैठते खाते पीते कांग्रेस 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 को गालियां देने के एक सिंड्रोम से इन्हें बाहर आना चाहिए। हर चीज़ के लिए कांग्रेस जिम्मेदार जो ये कह देते हैं, तो भैया जनता ने हमें बाहर बिठा दिया, अब आप अपनी जिम्मेदारी के सवालों का तो जवाब दो। अभी बस कांग्रेस 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 ये एक जीप किस्म का इनका बन गया। क्या है आपका मुद्दा, आपके मंत्री ने बनाया कि हमें ज़बरदस्ती भेज दिया गया, हम तो नहीं जाना चाहते। आपने मुद्दा बनाया कि हुर्रियत से अगर बात की हाई कमिश्नर ने तो हम उससे बात नहीं करेंगे। अब आप ही के एक प्रवक्ता करें कि नहीं हुर्रियत से बात करने में कोई हर्ज नहीं है, तो एक चीज़ स्पष्ट देश की जनता को बताओ कि आप क्या चाहते हो। तीसरी चीज़ ये कि जो सरकार की शक्ति होनी चाहिए नहीं है, चाहे श्रीलंका में सुषमा जी का बयान हो वो उसमें कोई शक्ति नहीं है, चाहे वीके सिंह का बयान हो कोई, इससे अच्छा तो कम से कम अमित शाह ने बोला जब मुफ्ती वाली बात आई, जब उन्होंने टेररिस्ट को छोड़ा तो कम से कम अमित शाह ने कहा कि अगर ये करेंगे तो आगे हम तोड़ देंगे, कम से कम कुछ हिम्मत तो दिखाई। तो ऐसे ही प्रवक्ताओं को भी ट्रेनिंग यही दी जानी चाहिए कि थोड़ा जो है एक बात पे कायम रखें, जो सरकार के अंदर भयानक विरोधाभास है, आपस में कॉन्ट्रडिक्शन है, वो खत्म होना चाहिए, और इनको खुद मुद्दे बना के एक दूसरे की बातों को जो छालते हैं वो बंद होना चाहिए। उसकी वजह से आप लोग भुगत चुके हैं। और कांग्रेस 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 दिन भर गाली देना सोते जागते वो बंद करिए महाराज, बंद करिए। एनडीए सरकार का शर्मन शेख मोमेंट है, क्योंकि ये तस्वीर जो इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर है ये लंबे वक्त तक एनडीए की सरकार को परेशान करेगी, जिसमें वीके सिंह साहब ठहाके लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं एक ऐसे वक्त पर जब सरहद पर सब हो रहा है। देखिए मैं दो ही बात कहना चाहूंगा, एक पहली बात तो यह कि पाकिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए, और पीडीपी के साथ समझौता उसमें आरे नहीं आना चाहिए, यदि वो आरे आता है तो समझौते का कोई मकसद नहीं है। दूसरी बात कि विदेश नीति के क्षेत्र में एक राष्ट्रीय सहमति हमारी रही है, उस राष्ट्रीय सहमति को विकसित करने की कोशिश की जानी चाहिए, चूंकि विदेश नीति के क्षेत्र में जितना दलीय विभाजन न होगा, दलों के बीच विवाद नहीं होगा, उतना देश के हित में होगा। चलिए ठीक है, इसी के साथ हमें इस चर्चा का अंत करना पड़ेगा। समित जी, अगर एक लाइन में आप अपनी बात कुछ कहना चाह रहे थे, आप जल्दी से एक लाइन। राजीव जी बार बार कह रहे थे कि हम कांग्रेस कांग्रेस क्यों करते हैं, तो मैं राजीव जी को याद दिला दूं, किसी मरीज को अगर कैंसर होता है और केमोथेरेपी और ऑपरेशन के बाद वो ठीक होता है तो कम से कम 6 महीने तक वो कैंसर कैंसर करता है, क्योंकि उसे पीड़ा रहती है कैंसर की, इसीलिए जिससे कैंसर हो गया कांग्रेस का, आपको क्या देश को कांग्रेस का कैंसर हो गया क्या दिन भर कांग्रेस कांग्रेस अपने वीके सिंह को लेके, कश्मीर नीति को लेके, पाकिस्तान नीति को लेके उसका जवाब दीजिए। हर जवाब भी हम देंगे कांग्रेस, राजीव जी चिंता ना करिए, जो है वो तो ऐसी बात भी हम ही देंगे कि बाढ़ ही सक्षम है, बाढ़ बारिश सूखा सब कांग्रेस, हर चीज कांग्रेस के नाम डालते जाओ, आ गए हैं ठीक कर देंगे। जवाब कई बार मुझे लगता है संबित पात्रा जी आप जब हाथ ऐसे करते हैं कि उससे जादू की कुछ किरण निकलेंगे और वो सभी के दुख हर लेंगे। चलिए हमें इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है, लेकिन ये तस्वीर दिखाते हुए जाएंगे अपने दर्शकों को, क्योंकि ये तस्वीर जिसमें हंसी ठहाके लगाते हुए जनरल वीके सिंह साहब दिख रहे हैं, ये तस्वीर लंबे वक्त तक एनडीए की सरकार को शर्मिंदा करेगी, क्योंकि ये एक ऐसे वक्त पर हो रहा है जब 48 घंटे में हमारे 4 लोग शहीद हुए हैं सरहद पर। ये तो अच्छा है कि अभी कोई सेशन नहीं है, कोई इलेक्शन नहीं है जिसका सीधा सामना करना पड़ रहा है, शायद वक्त के साथ कुछ लोगों की याददाश्त इस पर कमजोर पड़ जाए।